और भाई लोग कैसे हो आप सब। तो वापस हम लोग आ चुके हैं न्यू स्टेट का एक और न्यू वीडियो लेके। और आज के वीडियो में हम लोग इसमें वैलेंटाइन टाइम एक्सक्लूसिव एक इवेंट है उसका बारे में कम्प्लीटली जानने वाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ कुछ नया मैप्स उप्स आया तो उसको हम लोग अलग वीडियो में कभी कवर करेंगे। आज केवल ये वीडियो को हम लोग डेडिकेटेड इवेंट के लिए ही रखते हैं। और उसके साथ साथ मुझे एक बहुत ही ओपी वाला प्लान देखने को मिला है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं ये पैक जो है परचेस करने वाला हूँ जब हम लोग न्यू स्टेट का एक और वीडियो बनाएंगे। परचेस बोनस अप लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। और ये जो पैक देख पर इसका कॉस्ट 89 रुपीज़ का है। तो आप लोग अगर यस बोलोगे तो मैं इसको परचेस करने वाला हूँ। इसमें देख पा रहे कुछ हम लोग को मिलने वाला है। कैसा ये इवेंट वर्क करेगा मुझे नहीं पता। परचेज बोनस पैक एंड गेट एडिशनल रिवॉर्ड फॉर 3 डेज। तो ये शायद हम लोग को तुरंत मिल जाएगा ये तीन चीज़। और उसके बाद हम लोग को Day 1 Day 2 एंड Day 3 लॉग इन करेंगे तो एक्स्ट्रा ये तीनों हम लोग को अलग अलग दिन मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करना मुझे ये पैक परचेस करना चाहिए कि नहीं, 89 रुपीज़ में ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है वैल्यू फॉर मनी है। अगर ज़्यादातर बंदे हाँ बोलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको परचेस करेंगे लाइव। और फिलहाल के लिए इसको रखते हैं। उसके साथ साथ अभी एक और इवेंट आया है न्यू स्टेट्स में, MBTI इज लव। तो ये इवेंट समझने की कोशिश करते हैं। और ये इवेंट शायद परसों ही आ चुका था। ये एंड होने वाला है 32 डेज बाद। इसका जो टाइमिंग रहता है थोड़ा सा अलग रहता है नॉर्मल इवेंट से, जैसे BGMI में रिलीज डेट से लेकर एंडिंग डेट का टाइमिंग दिया रहता है। बट इसमें आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें अभी 32 डेज है। तो डेली मिशंस में ये होगा कि आपको डेली बेसिस में जैसे साइन इन करना है, इसका हम लोग ये लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और हम लोग को ये वाला हार्ट मेडल मिल जाएगा 10। उसके साथ स्टार्ट डेली रूटर, इसमें हम लोग क्लिक करते इसको करते हैं, हम लोग का एक और मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। स्किप करते और इसको स्किप करते तो हम लोग को ये मिल गया। और उसके साथ साथ हम लोग का सेकेंड मिशन भी कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको करने को बोला जाएगा। उसका सर्वाइव फॉर 30 मिनट्स इन बैटल रॉयल मैचेस, तो आपको 30 मिनट केवल खेलना है, आपको 200 और मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप 3 बंदे को फिनिश करते हो बैटल रॉयल मैचेस में तो आपको 200 और मिल जाएगा। तो ये डेली बेस में रिफ्रेश होगा और ये पॉइंट को कलेक्ट करके हम लोग बाद में रिवॉर्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कम्युलेटिव इवेंट्स में। इसमें आपको सिंपली ये जो मिशन है ये डेली बेस में रिफ्रेश नहीं होगा। ये जितना दिन ये इवेंट चलेगा उसमें से कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपको 5 दिन लॉग इन करना है, साइन इन फॉर 5 टाइम्स। सबसे पहले आपको साइन इन फॉर 5 टाइम्स बोल रहा, मतलब 5 दिन में भी इसको साइन इन करने के लिए बोल रहा होगा। उसके साथ साथ साइन इन फॉर 10 डेज, मतलब 10 दिन तक लॉग इन करने के लिए बोल रहा है। पहले 5 दिन करेगा तो 100 हार्ट ये वाला मिल जाएगा। अगर आप 10 दिन करेंगे तो 500 और मिल जाएगा। और उसके साथ से ये क्या है, ज्वाइन नहीं पता, जो भी है फ्रेंड ना जो भी है ज्वाइन लिखा हुआ, या क्लैन का बात कर रही है, क्लैन का बात कर रही है। तो जैसे आप एक क्लैन ज्वाइन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 100। नेक्स्ट वाला मिशन देख पा रहे, प्ले 3 बैटल रॉयल मैचेस विथ 1 क्लैन मेंबर। तो क्लैन का कोई भी एक बंदे के साथ 3 मैचेस कंप्लीट करना और आपको और 100 मिल जाएगा। उसके साथ साथ ओपन 1 रैंडम बॉक्सेस, तो कोई भी क्रेट एक ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ साथ चेंज प्रोफाइल इमेज, तो ये सब बहुत इजी है। आपको सिंपली प्रोफाइल इमेज को चेंज करना है, प्रोफाइल फ्रेम को चेंज करना है, ये सब तो बहुत बेसिक है और आपको इजीली कॉइन मिल रहा है। बहुत ही इजी इजी मिशन है। उसके साथ साथ यूज द ड्रोन स्टोर, तो सिंपली आपको बैटल रॉयल में ड्रोन यूज करना है एक बार तो आपको ये 400 पॉइंट मिल जाएगा। और 5 क्रेट ओपन करोगे कोई भी फ्री वाला भी चलेगा तो आपको ये भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ 1000 BP यूज करोगे जो कि इजीली हो जाएगा। 12 क्रेट खोलोगे तो और मिलेगा भाई। 20 दिन तक लॉग इन करोगे तो और 1800 भाई, ऑलमोस्ट सब कुछ ले पाओगे। तो ये वन टाइम इवेंट है इसलिए इतना मिशन आपको दिखा 32 डेज में ये इजीली हो जाएगा। 24 क्रेट्स आप ओपन कर ही लोगे फ्री में, तो आपको इतना क्रेट मिलता है। इसके साथ साथ मैं कूपन कोड भी देते रहता हूँ। अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया, न्यू स्टेट का रोल ले लेना, उधर मैं कोड डालते रहता हूँ। उसके साथ साथ आपको इरेंगल 5 मैच खेलना है, कभी भी खेल सकते, एक दिन में भी खेल सकते हो। उसके साथ साथ BR एक्सट्रीम मोड भी खेलना, तो इसमें आप देख पर 1200 1000 पॉइंट मिल रहा। ट्रॉय मैप 5 बार खेलोगे तो 1000 पॉइंट और मिलेगा। स्टेशन मैप 5 बार खेलोगे तो 1500 और मिलेगा। एरिना खेलोगे तो 1500 और। फिनिश फ्रैग ग्रेनेड 3 प्लेयर, तो आपको 3 बंदे को फ्रैग ग्रेनेड से खत्म करना है तो आपको 400 और मिलेगा। 500 मिनट सर्वाइव करना बैटल रॉयल में जो कि इजीली हो जाएगा, 600 मिलेगा क्योंकि 32 दिन का ये इवेंट है। 1000 मिनट करोगे तो 600 मिलेगा। फिनिश ग्रीन प्लेयर 3 प्लेयर्स इन बैटल रॉयल, मतलब ग्रीन प्लेयर से बुलाया हुआ बंदा को फिनिश करना 3 बार और आपको ये मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को। उसके 1500 मिनट अगर आप सर्वाइव करोगे तो और मिल जाएगा। उसके साथ साथ विन अ चिकन डिनर, जो कि एक बार आपको चिकन डिनर लाना है तो लास्ट वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है इसमें से आप मैक्सिमम सामान ले सकते हो, जैसे कि आप देख पर 120 तो मैं तुरंत हो गया। डेली मिशन में भी अच्छा खासा रिवॉर्ड है और इसमें तो भाई नेक्स्ट लेवल रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। 1500 पॉइंट से आप ये अलग चीज़ को रिडीम कर सकते हो। 1800 पॉइंट से आप ये अलग थैंक्स वाला इमोट रिडीम कर सकते हो जो कि BGMI पबजी के अंदर है। उसके साथ साथ ये वाला वैलेंटाइन अवतार फ्रेम आप 1000 कॉइन से रिडीम कर सकते हो, लवर प्रोफाइल आइकन। उसके साथ साथ ये वाला जो फ्रेम आप देख पर ये भी अच्छा है, इसको आप 2100 कॉइन से निकाल सकते हो।
और ये क्या है, लवर प्रोफाइल फ्रेम, ये भी फ्रेम ही है शायद, इफेक्ट है एक्चुअली, तो इसको भी आप रिडीम कर सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत महंगा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शायद, इसलिए आपको 6000 पॉइंट में मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये टाइटल आपको मिलने वाला 4800 में। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल रिवॉर्ड है भाई, हो भाई इतना मस्त मस्त रिवॉर्ड दे रहा है। उसके साथ साथ 200 पॉइंट में आप ये वाला रिडीम कर सकते हो, और चिकन मेडल है, और अकॉर्डिंगली आप चिकन मेडल को 10 बार रिडीम कर सकते हो 300-300 कॉइन में। 250 में आप ये वाला रिडीम कर सकते हो चिकन मेडल बोनस कार्ड 3 बार। अच्छा, ये पोर्टेबल क्लोजेट आप 90 दिन के लिए रिडीम कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, और इसको बूस्टर कार्ड सब भी आप रिडीम कर सकते हो 250-250 में। मुझे तो ये सब चीज़ भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है, टाइटल व्यूटल, और मैं तो बोलूँगा हाईली रिकमेंड करूँगा ये सब यूनिक चीज़ पहले रिडीम कर लेना। उसका नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर इस तरह का इवेंट आएगा कि अलग तरह का आएगा, क्योंकि अभी देखो नया नया गेम रिलीज हुआ तो भर भर के रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो इसको कलेक्ट करना मत भूलना, फटाफट जो कलेक्ट करना इवेंट कंप्लीट कर करके। और ये इवेंट बहुत ही सिंपल है, डेली बेस मिसेस में आपको समझा दिया, और उसके साथ साथ ये भी समझा दिया, वन टाइम इवेंट। तो चलो ये वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, वेक्टर वाला पैक लेना है कि नहीं बोल देना, अगर हाँ आएगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वाला वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा न्यू स्टेट का तो मैं उसको परचेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा ज़्यादा वीडियो लाने के लिए न्यू स्टेट में। तो चलो थैंक यू सो मच गाइस, देखो एक और क्रेड हम लोग को मिल गया, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।